ग्राउंड लेवल पर वैसा कोई भी कार्य नहीं हुआ है जिससे जनता का विकास हो सके या जनता का उत्थान हो सके। अगर किसान की समस्या हल होता था, आज किसान खेती बाड़ी छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जा करके मोटिया का काम नहीं करता, अन्नदाता। पतित पावनी पुण्य सलील गंगा के तट पर अवस्थित ऋषि मुगदल की तपोभूमि, महादानी कर्ण की कर्मभूमि तथा बंगाल बिहार की उड़ीसा के नवाब रहे मीर कासिम की राजधानी मुंगेर, इसी शहर से जब चाहेंगे तो हम एक विधायक पैदा कर सकते हैं सर। जब इलेक्शन की बात आएगी, चाहे मेरे दल के लोग हों या विरोधी दल के लोग, यहाँ सांसद विधायक बने हैं हमारे। दूसरा कारण हम लोग भी हैं, जिसमें हम लोग एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं खुल के कि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जनप्रतिनिधि को आगे बढ़ना पड़े, और उसमें सभी लोग साथ में निश्चित रूप से। बरसों से पहले अंग्रेज के समय से जमालपुर और उस समय नगर परिषद नगर पालिका हुआ करता। जमालपुर के धर्मशाला मैदान में हम खड़े हैं और यहाँ पर हम अपने 24 के चौसर कार्यक्रम को लेकर मौजूद हैं, लेकिन दुखद घटना ये घटी है कि इसी इलाके के 9 बच्चों की मौत हुई है, जिस वजह से एक शोक की लहर है इस शहर में फिलहाल। जमालपुर के बारे में काफ़ी कुछ पिछले 24 घंटे में हमने आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन चूँकि ये चुनावी कार्यक्रम है, हम अपनी चर्चा को चुनाव तक ही सीमित रखेंगे। कई लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चुनावी विसात पर कौन इस समय आगे है, कौन पीछे है, और वो जो सीटों के दावे किए जाते हैं कि 40 में 40 मिलेंगे, या दूसरा दावा कुछ और कहता है, तीसरा दावा कुछ और कहता है, इन दावों की हकीकत क्या है ये हम आपको बताएं। जमालपुर कहाँ पर है उससे लोग संतुष्ट। सबसे पहले किनारे ऋतुराज के पास चलेंगे। ऋतुराज जी, क्या आपको लगता है कि जो जमालपुर की अभी की स्थिति है ये संतोषजनक है, या चूँकि यहाँ के नेता जो सांसद हैं कद्दावर हैं, क्या उनके काम से इतना कुछ हुआ है जिसको हम कहें कि इससे इस क्षेत्र को बड़ा फायदा हुआ है? बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि जमालपुर की जनता जो भी संतुष्ट है या जो भी विकसित हुई है, जमालपुर क्या पूरे बिहार को इस चीज़ को लीजिए, वो केवल अपने दम पर है। ग्राउंड लेवल पर वैसा कोई भी कार्य नहीं हुआ है जिससे जनता का विकास हो सके या जनता का उत्थान हो सके। क्या क्या मुख्य मुद्दा है, आपको क्या लगता है, कुछ मुद्दे ऐसे बताइए जो कि जमालपुर में होना चाहिए या मुंगेर में उन मुद्दों को पहले सुलझाना चाहिए था? मुंगेर जिला जो है वो किसानों से घिरा हुआ एक गांव है। किसानों के लिए ग्राउंड लेवल पर कोई फैसिलिटी, कोई सब्सिडी नहीं है। डीजल का दाम उनको जलाता है, फसल बिकने का समय भी आ रहा है, इस समय फसल में बिचौलिया दाम सब खा जाएंगे, फसल जब रोप होता है समय पे खाद बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है, और उसके बाद फसल जो लगी रहती है तो उनकी फसल भी किसानों की सुरक्षित नहीं रह पाती है। किसान नहीं रहेगा तो कुछ सवाल ही नहीं है, अंजल नहीं रहेगा तो कोई संभावना ही नहीं है। जितनी भी योजनाएं सरकार के तरफ से बनाई गई, आपको लगता है कि सिंचाई के जो कार्यक्रम है वो होना चाहिए या फिर यहाँ के किसानों के लिए कुछ काम होना चाहिए? किसान के लिए तो सबसे पहले होना चाहिए, अन्न होगी तब तो पढ़ाई कर पाएंगे। बिल्कुल स्वामी जी, आपको प्लीज बैठ, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे यहाँ पर बड़े हैं जिन मुद्दों को पहले सुलझाना चाहिए था, या आपको लगता है कि सारे मुद्दे सुलझ गए, विकास अपने क्रम में है, विकास इसी तरह से होता रहेगा? आज के दौर में बसंत जी ने कहा, ये बेसिक बात कहा, 20 साल पहले अगर किसान की समस्या हल होता था, आज किसान खेती बाड़ी छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जा करके मोटिया का काम नहीं करता, अन्नदाता है। शिक्षा यहाँ चौपट हो गया है, जमालपुर कारखाना नष्ट हो रहा है, यहाँ के लोग जो जी रहा है व्यवसाय वर्ग वो भी हताश है, कैसे रहें कैसे जिए। मुंगेर की उद्योग धंधा चौपट है, सिर्फ हवा हवा ही उड़ाता है चुनाव के वक्त। ऐसा काम अगर 20 साल पहले होता तो मुंगेर सबसे
सम्मानित ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ के लोग दूसरे जगह जाकर के विकास में बढ़ावा देता है, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, चुनाव तक ही रहता, उसके बाद निपापुती बराबर कर देता है। चलिए, जमालपुर में हम आपको बता दें कि जमालपुर जो रेल वर्कशॉप है उसकी वजह से ही जमालपुर की एक पहचान पहले हुआ करती थी। आप वर्कशॉप से जुड़े रहे हैं, तो आप बताएं कि जो प्रतिष्ठा पहले थी, क्या वो प्रतिष्ठा अभी भी जमालपुर को हासिल है, या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में ये कम हुआ है या आगे बढ़ा है? इमाम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सब आप सबों का मैं तहे दिल से नमन करता हूं, आप सबों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। पतित पावनी पुण्य सलील गंगा के तट पर अवस्थित ऋषि मुगदल की तपोभूमि, महादानी कर्ण की कर्मभूमि तथा बंगाल बिहार की उड़ीसा के नवाब रहे मीर कासिम की राजधानी मुंगेर, इसी शहर से 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में अवस्थित सुंदर पहाड़ी की गोद में रचा बसा एक खूबसूरत सा शहर नाम जमालपुर। जमालपुर का अर्थ ही होता है, जमाल का अर्थ होता है खूबसूरत, और पूर शहर एक खूबसूरत शहर। वाकई में ये खूबसूरत शहर रही 1862 ईस्वी में, 8 फरवरी 1862 ईस्वी को जमालपुर वर्कशॉप की नींव रखी गई। तब से लेकर असल में ये पूरा शहर जो है रेल तंत्र से ही जुड़ा हुआ शहर रहा है। यहाँ लोग जो यहाँ से रिटायर्ड करते गए, लोगों ने यहाँ फिर यहाँ के वासिंदा बनते चले गए, और यहाँ से रोज़गार मिलती गई, लोगों को काफ़ी रोज़गार मिलते थे, लेकिन विगत कुछ वर्षों से वो सब नदारत होती जा रही है। लोग परेशान हैं, बाहर के बच्चे तो कुछ करके खा भी लेते हैं, रेलवे के बच्चे तो, और भी ये है कि हमको नौकरी कहाँ से मिलेगी। तो सबसे बड़ी जो बड़ा मुद्दा जो आज की डेट में उभर के आ रहा है, महंगाई, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी पैसे खर्च होने, ये सारे जो मुद्दे हैं और इसको लेकर के इंसान त्राहिमाम कर रहा है विगत। चलिए, मतलब ये है कि जमालपुर जहाँ था वहाँ से कुछ पीछे ही गया है, आगे आता हुआ नहीं दिख रहा है। रोहित सिन्हा जी, शहर को संवारने का जिम्मा आपके पास था, शहर संवरा क्यों नहीं? देखिए, शहर संवारने की जिम्मेदारी नगर परिषद जमालपुर की थी, वह अपने कार्य में लगी हुई है। कुछ हद तक सजाने संवरने का काम नगर परिषद द्वारा किया भी गया है, लेकिन जो मुख्य बात है वो है सही में यहाँ के जमालपुर कारखाने का विकास। एक समय यहाँ 20,000 से 22,000 मजदूर हुआ करते थे, आज इनकी संख्या घटकर यहाँ 7-8,000 के करीब है। पहले यहाँ लोकल लेवल पे बहाली होती थी, वह तो बरसों पहले बंद हो ही गई, और फिर धीरे धीरे लगता ऐसा है कि यह कारखाना मृत प्राय होता जा रहा है। यहाँ वर्कलोड और वर्कलोड के साथ बहाली में भी स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिले, इसकी सख्त ज़रूरत है। चलिए, प्रोफेसर राजीव नयन जी, शिक्षा को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं, और शहर के सौंदर्य की जहाँ तक बात है तो हम स्पष्ट कर दें कि इस शहर में ओपन नालियाँ जो हैं, खुली हुई नालियाँ, मैंने पिछले 2 दिनों में बहुत देखी हैं, जो चिंता का विषय है। इस पर हम फिर आगे बातचीत करेंगे। प्रोफेसर राजीव नयन जी, क्या शिक्षा का स्तर यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में उसमें सुधार आया है? क्योंकि आम तौर पर जितने भी शहर हैं उसमें शिक्षा निश्चित रूप से एक मेजर सेक्टर है जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, यहाँ क्या हुआ? सबसे पहले तो 24 का जो चौसर आपने हेडिंग दिया है, ये बताता है कि आगामी चुनाव का ये दस्तक आप दे रहे हैं। और ये बात रही शिक्षा का, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जमालपुर बहुत पिछड़ा है, जबकि 22,000 मजदूर यहाँ काम करते थे रेलवे में, पहाड़ हुआ करता था जिसे मजदूर, लाखों मजदूर यहाँ रोजगार में लगे हुए थे। और शिक्षा का मंदिर हमारे जमालपुर में ना के बराबर है, ना अच्छा कोई महाविद्यालय है, ना कोई विद्यालय है, ना कोई ऐसा संस्थान है जो यहाँ का बच्चा वो कम्पिटेटिव हो, मतलब इस तरह का कहीं कोई नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मुंगेर की छाया में ये दब रहा है जमालपुर? मुंगेर में सारे सांसद रहते हैं, सारे लोग वहाँ रहते हैं, जमालपुर उसकी वजह से इग्नोर हो रहा है? ये सही बात है, जमालपुर के प्रति किन्हीं को कोई चिंता नहीं है,
जब इलेक्शन की बात आएगी, चाहे मेरे दल के लोग हों या विरोधी दल के लोग यहाँ सांसद विधायक बने हैं, हमारे यहाँ मुख्य दो चार सड़कें हैं। हमारा उम्र जितना हो रहा है कभी सड़क बनते हुए मैंने नहीं देखा है। नन आप बोले कि ओपन नाली है, वाकई में आपका आप बाहर से आए, आपने यहाँ के शहरों का आकलन किया और आप सही पाए कि शहर का शुभचिंतक कोई नहीं है। आते हैं जात पात बेगबर फॉरवर्ड हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेते हैं, जब जीत के जाते हैं तो उनको हमारे शहर की कोई चिंता नहीं है। और वर्कशॉप जो हमारा जमालपुर है, जिस पर हम आधारित हैं, जिस पर हम आधारित हैं, आज हमारा बाजार उजड़ गया। दुकानदार यहाँ का दुकान खोलता है बोहनी तक नहीं होता है। ये स्थिति आज के भाग दौड़ में जो कि औद्योगिक दुनिया हो चुका है, इस शहर को बहुत डेवलप करना चाहिए था। और हम तो खास करके हमको नहीं करना चाहिए लेकिन कहना पड़ा है, अंग्रेज को मैं धन्यवाद देता हूँ कि 1862 में ना यहाँ कच्चा लोहा था, ना कच्चा कोयला था, ना किसी प्रकार कुछ नहीं था। हमारे जमालपुर की महान जनता के हाथ में हुनर था और हुनर देख करके यहाँ जमालपुर रेलवे वर्कशॉप का उन्होंने स्थापना किया। चलिए आप बड़ी बात कर रहे हैं, हम अपनी चर्चा के बीच में इन मुद्दों को रखेंगे ज़रूर। हमारे साथ राजेश जी मौजूद हैं, राजेश यादव जी, आप राजद से जुड़े हुए हैं। राजेश जी, क्या वजह है कि इस इलाके में जमालपुर पिछड़ रहा है, क्या वजह है? क्योंकि जितना मैंने जमालपुर को देखा है या मुंगेर को देखा है, मुझे लगता है कि ये न सिर्फ औद्योगिक दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। फिर क्या वजह है कि ये इलाके पिछड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं आज हमारे जमालपुर में, जमालपुर मुंगेर का काला दिवस है, हमारे यहाँ 9 बच्चे डेथ कर गए हैं, उसके लिए मैं सबको संतावना देता हूँ, पूरे परिवार को। और रही बात जमालपुर की, देखिए जमालपुर में अभी जो हमारा पिछड़ा हुआ जमालपुर है, उसका कारण, सबसे पहला कारण जनप्रतिनिधि, दूसरा कारण हम लोग भी हैं, जिसमें हम लोग एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं खुल के कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जनप्रतिनिधि को आगे बढ़ना पड़ेगा और उसमें सभी लोग साथ में निश्चित रूप से आएंगे। बरसों से पहले अंग्रेज के समय से जमालपुर, और उस समय नगर परिषद नगर पालिका हुआ करता था और उस जमालपुर में सबसे पहले, और उस समय से नगर पालिका होने के बाद भी आज तक विकास नहीं हो सका। जमालपुर कारखाना की दयनीय स्थिति है पूरी तरह से। यहाँ जो भी ऑफिसर आते हैं, और दुख इस बात का है कि SCRA यहीं पर है, जो पूरे भारत में सिर्फ SCRA स्पेशल क्लास अप्रेंटिस का यहीं पढ़ाई होती है, होती थी, जिसका कि पढ़ाई पढ़ने के बाद ऑफिसर बनते थे और वो ऑफिसर ऊपर बैठते थे। उसके बावजूद हमारा जमालपुर के ऊपर उनका जो कलम चलता था वो बिल्कुल सही नहीं चलता था। वो जमालपुर के विकास के लिए, कुछ जमालपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़ाने के लिए कुछ ऊपर लिख के नहीं देते थे ताकि यहाँ अच्छी अच्छी ट्रेन खुले, सुविधाएं बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, आवागमन बढ़े। और जैसे ही अभी 8 साल पहले नीति आयोग का रिपोर्ट यहाँ से गया योजना का, तो उसमें लिखा गया कि यहाँ वो सुविधा नहीं है अवेलेबल, इसलिए कारखाना का विकास नहीं होता और SCRA की पढ़ाई यहाँ बंद कर दी गई, जो कि पूरे भारत में सिर्फ एक ही जगह जमालपुर में हुआ करता था, और सबसे एशिया का ऐतिहासिक और सबसे पहला कारखाना भी जमालपुर में ही स्थापित हुआ। चलिए, हम जमालपुर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल जमालपुर में वास्तविक समस्याएं क्या हैं। अभी तक हमने आपको बताया और जितनी बातें हो रही हैं वो सिर्फ समस्याओं की हो रही है, इसका चुनाव कोई लेना देना नहीं है, फिर हम बात करेंगे। जमालपुर में एक मुख्य समस्या है बेरोजगारी का, यहाँ शुरू से जो लोग रह रहे हैं और सभी लोग कारखाना के हैं, 22,000 कर्मचारी शुरू से काम कर रहे हैं, तो सबके बाल बच्चे बड़े हुए, जवान हुए, अभी थोड़ा सा लिमिटेशन जनसंख्या का है, उस समय से जो बढ़ता गया पॉपुलेशन इतना जमालपुर का बढ़ गया, तो धीरे धीरे स्कोप तो बढ़ा नहीं, स्कोप तो वहीं का वहीं रह गया और कारखाना का विकास घटाते चला गया। सारे ऑफिसर जब सब लोग मिलकर जितने भी नेता हुए सब लोग कारखाना का स्कोप घटाते चले गए, उसका रोजगार का साधन नहीं बढ़ा। चलिए, हमारे साथ राकेश तिवारी जी हैं। राकेश जी, आप भी वार्ड पार्षद हैं और शहर को
संवारने की जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, फिर पहुंचेंगे कि सांसद क्या कर रहे हैं, वहां तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्या वजह है कि शहर सुधरता नहीं है, संवरता नहीं? नहीं, सुधर तो रहा है, साफ़ सफाई अच्छी है शहर में, रात में जो है सफाई होती है, मुख्य मार्ग जो है। नालियाँ क्यों खुली दिखती हैं? नहीं, उसका प्रस्ताव आ चुका है सभी का ढकने का, तो जब हम लोगों के आने का इंतजार हो रहा है उसको ढकेंगे? नहीं, चालू हो जाएगा, जाएगा। हाँ, बहुत जगह हो चुका है। इसको के आने के पहले गांव में जाके देख, मतलब कि शहर के अंदर जाके देखिए तो हो रहा है। तो सड़कों को लेकर अब हमारे साथ सुरेश पंड्या जी, हाँ जी, नगर परिषद एक चीज में पीछे है, भूमिहीन को अभी तक आवास उपलब्ध नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 2 लाख मिलता है वो तो मिल चुका है, बहुत घर बन चुका है, लेकिन जो भूमिहीन है, वर्षों से जो किराए के मकान में रह रहा है, उसे अभी तक जो है भूमि नहीं मिला है, नहीं आवास बना के दिया गया। क्या क्या कारण है इसका? हम तो बोर्ड में प्रस्ताव लाए, प्रस्ताव भी पास हो चुका है, अब आगे तो नहीं, प्रस्ताव लाए तो प्रस्ताव को रोकता कौन है? उसका नाम तो पता होना चाहिए जनता को, सारी जनता जानना चाहेगी कि जरा उनका नाम बताएं। रोका नहीं गया, एक टीम बना दिया गया सर्वे के लिए। अच्छा, टीम बनाएगी, फिर रिपोर्ट देगी, फिर अधिकारियों के पास जाएगा, फिर वो लौट के आएगा, तब तक चलेगा। लक्षण तो लग रहा है, हाँ हाँ, लक्षण तो लग रहा है, अगला चुनाव आ जाएगा तब। सुरेश पंड्या जी, शहर कैसे बढ़ता है और उसकी रफ्तार क्या होती है, वो उन्होंने एक बार में सारा बता दिया राकेश तिवारी जी ने। क्या वजह है कि शहर बहुत निखरा हुआ नहीं दिखता है, हर जगह आपको कंजेशन है, आप बहुत घुटा घुटा सा शहर लगता है, जबकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखा जा सकता है, जिससे हम बाहर के टूरिस्ट को भी आकर्षित कर सकते हैं, क्या वजह है? वजह है हमारे साथ जो विधायक या एमपी जीत के जाते हैं, सबसे मुख्य कारण है हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार, और दूसरी कारण है कि हम लोग एक जमालपुर विधानसभा कहलाता है, जब चाहेंगे तो हम एक विधायक पैदा कर सकते हैं शहर का। वर्षों से वोट के मामले में हम लोग मैंने 50% शहर के लोग हैं, लेकिन आज तक हमारा शहर के लोग विधायक नहीं हो सका है, जिसके कारण हम लोग सबसे मुख्य कारण है आज जो शहर जमालपुर शहर में जो देख रहे हैं, पिछड़ने के कारण मुख्य शहर है, अपना जनप्रतिनिधि विधायक वो हम नहीं दे पाते हैं। दूसरी बात है कि उसके कारण जो हम लोग सौतेला व्यवहार होता है, हम जनता को जाति पार्टी जो भी है उसके कारण बहुत बांट दिया जाता है, बढ़ गए हम लोग। आज आप देखते होंगे जमालपुर के साथ साथ पूरा बिहार में भी हर जगह वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, यहाँ 400 रुपया मात्र है, और यहाँ से हट के कहीं भी जाइएगा 2000-3000, चाहे किसी की भी सरकार रही है, वो किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आप सही बात कर रहे हैं। अजय चंद्रा जी, आपसे हम बात करना चाहेंगे, आपके मुद्दे क्या हैं? हमारा शहर मतलब ये जमालपुर शहर बहुत अच्छी शहर है, और हमारे बाप दादा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे वर्कशॉप में बाप दादा, मेरे दादाजी भी वर्कर थे जमालपुर के, मेरे फादर भी जमालपुर के वर्कर थे। अभी जो वर्तमान स्थिति है रोजगार को लेके है, जमालपुर वर्कशॉप एक अप्रेंटिस करवाती है, और कुछ ही समय में, ज़्यादा नहीं, वो 2-4 महीना कुछ ही समय, मतलब अप्रेंटिस करते करते रोजगार दे देती है। लेकिन आए दिन जो सरकार है अभी वर्तमान में, वह सरकार क्या कर रही है कि देखिए, 2012 से यहाँ रेल अप्रेंटिस करके लोग बैठा हुआ है, 2012 में जो अप्रेंटिस किया हुआ था, 2013 में जो अप्रेंटिस किया हुआ था, वो एक आस लगाया था कि मेरा रोजगार मिल जाएगा। तो हमने एक सत्ता परिवर्तन लाया, हम सभी जमालपुर की शहर के युवा लोगों ने 2014 में हमने सरकार लाई, वो आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि हम रोजगार आदि सत्ता परिवर्तन लाएं कि रोजगार बेहतर होगा, बट उसका विपरीत हम लोगों का रोजगार के लेके प्राप्त हुआ। 2013, 14, 15 में अप्रेंटिस नियंत्रण होता रहा, और आए दिन एक सरकार एक अच्छी योजना निकाली है, केंद्र के मुखिया बोल रहे हैं कि हम हर चीज़ की गारंटी लेते हैं, रोजगार की गारंटी लेना सरकार,
रोजगार की गारंटी पर कुछ नहीं बोला जा रहा है।